और चलिए बढ़ते आगे। विदिशा में कांग्रेस को झटके पर झटका लगा है। झटका पहले शशांक भार्गव के रूप में लगा था, अब उनके समर्थक भी झटका दे रहे हैं। शशांक भार्गव के तकरीबन 1000 समर्थक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कुछ दिनों पहले शशांक भार्गव ने पार्टी छोड़ी और अब ये जो समर्थक है पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने, उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है। महेश गुप्ता जी, सुरेश, चलिए आगे बढ़ेंगे और बात शिवपुरी की करेंगे, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं उन्होंने सिंधिया पर हमला बोला है। केपी यादव का नाम लेकर यह निशाना साधा गया। राव यादवेंद्र सिंह ने मंच से यह बयान दिया है। 2019 में जैसे तैसे क्षेत्र आजाद हुआ था, किसान के बेटे की जीत लेकिन हजम नहीं हुई, यह आरोप लगाया गया और यह बयान दिया गया। सुनवाते हैं आपको। विशेष चुनाव इसलिए है कि हमारे जो भारत देश है वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, परंतु हमारा गुना सतपुरी अशोकनगर लोकसभा क्षेत्र अभी 2019 में जाकर मुश्किल से आजाद हो पाया था और बड़ी मुश्किल से हम सब ने तन मन के साथ एक किसान के बेटे, एक पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को, एक साधारण व्यक्ति को अपना सांसद चुना, परंतु कुछ लोगों को वही रास नहीं आ रहा था। नीमच में कांग्रेस के प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर ने चुनाव प्रचार किया। 2 किलोमीटर तक समर्थकों के साथ वो पैदल चले और क्षेत्र का विकास करने की बात कही।